टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अर्तुगुल गाजी में हलीमा सुल्तान का किरदार निभाने वाली इसरा बिल्जिक सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर है। दरअसल महिलाओं के अंडरवियर के एक विज्ञापन में इसरा बिल्जिक दिखाई दे रही हैं और यही वजह है कि इस बड़ा की विज्ञापन पर यूजर्स भड़क गए हैं। यूजर्स हलीमा सुल्तान यानी कि इसरा बिल्जिक को अर्तुगुल गाजी के हलीमा सुल्तान के रूप में ही देखना पसंद कर रहे हैं, यानी कि जो लुक जो पहनावा अर्तुगुल गाजी में इसरा बिल्जिक का था वही पहनावे में ये देखना चाह रहे हैं। तुर्की की तारीख पर बनी अर्तुगुल गाजी इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का काम दर्शकों तक किया है और ये ड्रामा पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों में देखा जाने लगा। लोग इसे बड़ी तादाद में पसंद करने लगे, यहाँ तक कि भारत में भी अर्तुगुल गाजी के दर्शक बड़ी संख्या में हैं। मगर 36 सेकेंड के इस ब्रा के विज्ञापन से सबसे ज़्यादा नाराजगी पाकिस्तान के दर्शकों में देखी जा रही है। लोगों का ये कहना है कि इस तरह के विज्ञापन को हलीमा सुल्तान यानी कि इसरा बिल्जिक को नहीं करना चाहिए था। आपको बता दें कि ये विज्ञापन इसरा बिल्जिक ने खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जहां लाखों की तादाद में इसे व्यू और लाइक्स मिल रहे हैं। हालांकि इसरा बिल्जिक ने 2018 में अर्तुगुल गाजी प्रोग्राम को छोड़ दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसरा बिल्जिक का जन्म अंकारा में सन 1992 में हुआ था और इसरा ने पुरातत्व की डिग्री हासिल की। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी डिग्री हासिल की है और अब कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। 2017 में तुर्की के मशहूर फुटबॉलर गोखान तोर के साथ इनका विवाह हुआ, मगर यह विवाह ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका और 2019 में दोनों के बीच में तलाक हो गया। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।